को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड की राजधानी रांची में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि। तीनों पॉजिटिव मरीज हिंदपुड़ी निवासी हैं। झारखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। झारखंड के लिए लगातार परेशान करने वाली खबर। शुक्रवार 17 अप्रैल को झारखंड के लिए फिर परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। शुक्रवार को रांची में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज हिंदपीढ़ी निवासी हैं। हॉटस्पॉट बन चुका हिंदपीढ़ी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेहद ही चिंताजनक। सरकार, जिला प्रशासन के अलावा लोगों के लिए भी झारखंड में कुल कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है। धीरे धीरे कर आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबके लिए खतरे की घंटी। बिल्कुल सजग और सतर्क रहने का वक्त। जरा सी लापरवाही मौत को दावत देने के समान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए कई कदम उठा रहे हैं। राज्यवासियों से अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि सीमित संसाधन है, लापरवाही न बरतें, मौत को दावत न दें। ये तमाम पॉजिटिव केस जो सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं लापरवाही के कारण ही हो रहा है। हिंदपीढ़ी में तमाम एहतियात जिला प्रशासन द्वारा बरता जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं हिंदपीढ़ी वासियों के लिए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर आकस्मिक राहत खाद्य सामग्री वितरण व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री आहार से भरे वाहनों को रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हिंदपीढ़ी के करीब 8,000 घरों तक खाद्यान्न पहुंचेगा। ऐसी व्यवस्था बोकारो के प्रभावित क्षेत्रों में भी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से जंग सबको मिलकर लड़ना है। दूरियां बनाए रखें मगर दिलों को जोड़कर रखें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरु नानक स्कूल में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई अस्थायी कंट्रोल रूम व लॉकडाउन के दौरान वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कोरोना संक्रमण को लेकर उठाए जा रहे तमाम बातों की जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ट्रैवल इंडिया टीवी भी तमाम लोगों से विनती करती है कि लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से सजग और सतर्क रहें, घरों में रहें, सामाजिक दूरियों का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अनुशासित होकर केंद्र व राज्य सरकारों का निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।